Hello friends, this is Himanshi here and today we'll discuss some previous year questions on growth and development. So, aaj hum baat karenge growth and development ke almost all previous year questions ki. Is topic ko acche se cover karenge aur koi bhi aisa exam nahi hota hai TET ka ya CTET ka jisme growth and development se question na pucha jata ho. Skip nahi karte hain wo isko kabhi bhi aur important bhi hai. To almost सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे और टेट एचटेट सीटेट सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसमें इन्वॉल्व किया है और थोड़ा स्पीड से इसको करेंगे ताकि सारे क्वेश्चंस कवर हो सकें. स्टार्ट करते हैं. चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट examines change in human abilities, seeks to explain behavior across lifespan, compares children to adults to senior citizens, accounts for the gradual evolution of a child's cognitive, social and other capacities. So child development kya hai? Child development is a gradual change or study of change hum bol sakte hain, progressive series changes ki jiske andar cognitive changes ko, social changes ko ya other capacities ko ek child ki एग्जामिन किया जाता है, स्टडी किया जाता है. तो दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट. कैसे एक चाइल्ड डेवलप करता है उसकी स्टडी को चाइल्ड डेवलपमेंट हम बोलते हैं. तो ये एक नॉर्मल बेसिक सा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है. वन ऑफ द थ्री स्टेजेस ड्यूरिंग द प्रीनेटल ग्रोथ इज, तीन स्टेज होती हैं प्रीनेटल ग्रोथ की. प्रीनेटल ग्रोथ इज समथिंग के आफ्टर कंसेप्शन और बिफोर बर्थ, है ना. तो जन्म से पहले की जो पीरियड है उसको प्रीनेटल पीरियड बोलते हैं. इसमें तीन स्टेजेस होती हैं, फर्टिलाइज ओबम की, एम्ब्रियो की एंड फीटस की. तो यहाँ पर जो बाकी की स्टेजेस हैं, इन्फेंसी, प्यूबर्टी, मल्टी सेलुलर ग्रोथ, ये सब आफ्टर बर्थ वाली स्टेजेस हैं. तो यहाँ पर क्या प्रीनेटल ग्रोथ के अंदर आएगा, वो आएगा एम्ब्रियो, जो एक उसकी स्टेज है तीन में से. अनदर नेम फॉर अ न्यू बॉर्न बेबी इज, अलग एक और नाम न्यूबॉर्न बेबी को क्या कह सकते हैं, तो एम्ब्रियो, जायगोट, फीटस या नियोनेट. तो एम्ब्रियो, जायगोट, फीटस ये सब प्रीनेटल पीरियड की हैं, बिफोर बर्थ. और नियोनेट नाम से भी पता लग रहा है, नियोनेट मतलब नवजात शिशु को नियोनेट बोलते हैं. तो द आंसर विल बी नियोनेट. डेवलपमेंट इज नॉट, डेवलपमेंट क्या नहीं है इन सब में से. तो डेवलपमेंट एक स्पॉन्टेनियस चेंज नहीं है, कोई रातों रात प्रकट नहीं हो जाता डेवलपमेंट के एकदम से बिल्कुल डेवलप्ड हो जाएगा. ये एक सीरीज ऑफ चेंज है, प्रोग्रेसिव चेंज है, जो धीरे धीरे एक प्रोसेस में आएगा. तो ये तीनों चीज़ें हो सकती है लेकिन स्पॉन्टेनियस चेंज नहीं हो सकता. एक प्लान चेंज हो सकता है, प्लान कर सकते हो, मतलब एक पैटर्न मान के चल सकते हो, बट स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता ये, है ना. तो आगे चलते हैं. स्पॉन्टेनियस मतलब एकदम से, अचानक से नहीं होगा. Human development is based on certain principles. Which of the following is not a principle of human development? तो human development या child development कहें तो ये काफ़ी सारे principles पर based है. Child development के 12 principle हैं जिनको किसी और video में कभी discuss करेंगे. If you want then comment section में आप लिख सकते हैं तो उसको discuss कर लेंगे. बाकी यहाँ पर देखते हैं question के according के principles पर based है human development और इन सब में से कौन सा एक principle नहीं है human development का. कॉन्टीन्यूटी में हो सकता है, सीक्वेंस में हो सकता है, जनरल टू स्पेसिफिक भी हो सकता है, लेकिन रिवर्सिबल नहीं हो सकता. ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट हो गया, किसी चीज़ को सीख लिया, डेवलप करने लग गया, चाहे कॉग्निटिव पावर्स हैं या कुछ भी हैं, तो उसको रिवर्स किया जा सके, है ना. कोई फॉर्मेट का बटन तो है नहीं कि भाई डेवलपमेंट हुआ और उसको डिलीट मार दिया. रिवर्स नहीं कर सकते हम डेवलपमेंट को, तो इट इज़ नॉट रिवर्सिबल. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप. तो इन स्टेजेस में से कब बच्चे एक्टिव मेंबर बनने लगते हैं, इंटरेस्ट लेने लगते हैं अपने पीयर ग्रुप में, ग्रुप एक्टिविटीज़ में एक्टिव मेंबर बन जाते हैं उनके. तो ये होता है एडोलेसेंस में, किशोरावस्था. इसकी डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं इन्फेंसी, देन अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस. तो इसको डिवाइड किया हुआ है उस तरह से. तो एडोलेसेंस में क्या होता है कि एक्टिव मेंबर बन जाते हैं चिल्ड्रन और अपने पीयर ग्रुप में, स्पेशली 12 टू आगे जितने भी 12 to 18 वैसे हम कंसिडर करते हैं, बाकी एक दो साल का डिफरेंस अलग अलग बुक्स के अकॉर्डिंग रहता है. तो डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद. डेवलपमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है. इस आइडिया को किससे एसोसिएट किया जा सकता है, यहाँ पे प्रिंसिपल दिए हुए हैं डेवलपमेंट के,
तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी से इसको एसोसिएट किया जा सकता है. प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज समथिंग के ये कॉन्टिन्यूस है, कभी खत्म नहीं होगा, वोम टू टोम चलता है ना. मदर की वोम से टोम तक, मतलब डेथ तक ये चलेगा, कॉन्टिन्यूटी में रहता है. तो इसलिए नेवर एंडिंग प्रोसेस इसको बोलते हैं, कभी ना खत्म होने वाली. ग्रोथ एक टाइम पर जाके रुक सकती है, बट डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस. इन लेट चाइल्डहुड पीरियड, इन लेट चाइल्डहुड पीरियड चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द कन्वर्सेशन ऑफ विच फिजिकल एंटिटी. किस भाषा को वो समझते हैं, किस फिजिकल एंटिटी को बच्चे समझते हैं लेट चाइल्डहुड में? तो मास, मास एंड नंबर, नंबर, तीनों, जो मास, नंबर एंड एरिया, समूह की संख्या की और क्षेत्र की, तीनों तरह की जो फिजिकल एंटिटी हैं वो उनको समझते हैं इनकी भाषा को लेटर चाइल्डहुड में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेफालिक ऑर्डल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट? तो फिजिकल जो डेवलपमेंट है उसके अंडर आते हैं. सेफेलोकॉर्डल होता है एक, एक होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल. तो सेफेलोकॉर्डल इज फ्रॉम हेड टू टो, है ना. पहले हेड डेवलप होगा, फिर नेक, इस तरह से हेड टू टो डाउनवर्ड्स चलेगा. लेकिन प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या होता है कि वो सेंटर टू अपवर्ड चलता है, सेंटर से बाहर की तरफ, है ना. जैसे पहले कंट्रोल हमारा डेवलप होता है आर्म्स पर, फिर उसके बाद हम फिंगर्स पर कंट्रोल डेवलप कर पाते हैं. तो ये सब जो सेफेलोकॉर्डल है वो हेड टू टो चलेगा, ऊपर से नीचे की ओर, और जो प्रॉक्सिमो डिस्टल है वो सेंटर से बाहर की ओर. तो ये दो चीज़ें याद रखने वाली हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं. यहाँ पर सेफेलोकॉर्डल अगर, सॉरी, प्रॉक्सिमो डिस्टल अगर देखें तो डेवलपमेंट इज फ्रॉम मिडल टू पेरीफेरी. तो ये एक प्रॉक्सिमो डिस्टल का एग्जाम्पल है, और आंसर यहाँ पे होगा सेफेलोकॉर्डल के लिए फ्रॉम हेड टू टो या हेड टू फुट. टॉय एज रेफर्स टू, टॉय एज हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड को, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड को. इन्फेंसी 0 to 2 होती है, उसके बाद 2 to 6 ईयर्स अर्ली चाइल्डहुड. तो इस तरह से 3 to 8 भी मानते हैं कई लोग इसको. तो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड को टॉय एज बोला जाता है. द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज, एक बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझने का एक बेस्ट तरीका, मेथड क्या हो सकता है? तो साइको एनालिटिक मेथड नहीं होगा, ये पर्सनैलिटी से रिलेटेड होता है. कंपेरेटिव मेथड भी नहीं होगा. एक बेस्ट स्टडी आप उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कैसे कर सकते हैं? तो डेवलपमेंटल मेथड से. डेवलपमेंटल मेथड में क्या होता है कि जो प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं उसके, उसके अकॉर्डिंग स्टडी की जाती है. तो ये बेस्ट मेथड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टडी के लिए. टर्म PSRN इन डेवलपमेंट इम्प्लाइज, PSRN जो ये टर्म है डेवलपमेंट में किस चीज़ को दर्शाता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर रीजनिंग एबिलिटी, फिर उसकी न्यूमेरिकल एबिलिटीज, इस पैटर्न में वो चलता है डेवलपमेंट. तो आंसर होगा फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी. निमोनिक्स इज रिलेटेड टू, निमोनिक्स प्रैक्टिस ऑफ मेमोरी, कैसे याद कराने का एक तरीका. निमोनिक्स मेमोरी से रिलेटेड होते हैं हमेशा, और कई बार इतने वाहियात से ऑप्शन होते हैं कि निमोनिया, एनीमिया, एमनेजिया, तो ये सब तो बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है. मेमोरी इज द राइट आंसर, है ना. क्योंकि एनीमिया अगर देखें तो एनेमिक जो खून की कमी, और निमोनिया और एमनेजिया भूलने की बीमारी, तो ये तो वैसे भी कनेक्ट नहीं करते हैं. बाकी निमोनिक्स रिलेटेड रिलेट करता है मेमोरी की प्रैक्टिस को, निमोनिक्स से रिलेट किया जाता है. द करंट व्यू ऑफ चाइल्डहुड अज्यूम्स दैट, तो करंट व्यू क्या मानता है चाइल्डहुड का, चाइल्डहुड को जो करंट व्यू है वो क्या अज्यूम करके चलता है? तो चाइल्डहुड इज अ यूनिक पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड चेंज, एक यूनिक पीरियड है, सबके लिए डिफरेंट हो सकता है डिफरेंस, मतलब हम एक पैटर्न मान के चलते हैं, लेकिन यूनिक पीरियड है ग्रोथ और चेंज का, होगा ही ये तो ग्रोथ और चेंज चाइल्डहुड के अंदर. अर्ली चाइल्डहुड इज अ पीरियड ऑफ, जो अर्ली चाइल्डहुड है इन्फेंसी के जस्ट बाद वाली स्टेज, तो इरप्शन ऑफ मिल्क टीथ, दांतों का निकलना इसमें होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेवलपमेंट इज डायरेक्शनल मीन्स, डेवलपमेंट का डायरेक्शनल होना, होने का क्या मतलब है? तो ये थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज किया जा सकता है कि डेवलपमेंट कंटिन्यूज अंटिल डेथ, बट डायरेक्शनल डेवलपमेंट इज डायरेक्शनल मींस डेवलपमेंट टिपिकली प्रोसीड्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एक डायरेक्शन में जाता है तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ. पहले सिंपल जो टास्क हैं वो सीखता है, नॉर्मल सिंपल चीज़ें, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाता है जो डेवलपमेंट है हमारा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं कि जिनको हेरिडिटी डिसाइड करती है, और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं. तो पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज़ बिल्कुल एनवायरमेंटल फैक्टर है, एनवायरमेंट से रिलेट करता है.
एक बच्चा पार्टिसिपेट करता है नहीं करता, ये सब चीज़ें वो एनवायरनमेंट से आती हैं, एटीट्यूड एनवायरनमेंट से आता है, थिंकिंग पैटर्न एनवायरनमेंट से आ सकता है, लेकिन कलर ऑफ आइज हेरिडिटी डिसाइड करती है, कलर ऑफ हेयर हेरिडिटी डिसाइड करती है, इवन जो टाइप ऑफ फिजिक या बॉडी है वो भी हेरिडिटी डिसाइड करती है. तो यहाँ पर कलर ऑफ आइज हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर होगा, आंसर यही है. एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप डिवेलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो डेवलपमेंट को शेप करते हैं, कौन से फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं छोड़ के इन सबको, तो कल्चर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, तीनों एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, क्योंकि कल्चर एनवायरमेंट से रिलेट करता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एनवायरमेंट से ही मिलेगी जिस तरह का एनवायरमेंट होगा, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन एनवायरमेंट का फर्क पड़ सकता है इस पर. लेकिन फिजिक, जैसा कि अभी हमने बात की कि जो हेयर ऑफ कलर है फिजिक है, टाइप ऑफ बॉडी है, हेयर ऑफ आइज है, तो सॉरी कलर ऑफ आइज है और कलर ऑफ हेयर फिजिक है, ये सब हेरिडिटी से रिलेट होते हैं. तो फिजिक यहाँ पे राइट आंसर होगा क्योंकि ये एक एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट. प्रिंसिपल डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल है इन चारों में से? तो ये ऑलवेज लीनियर होता है, रेखीय होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक लाइन के अकॉर्डिंग ही चलेगा, ये गलत है. इट इज़ अ डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये भी गलत है क्योंकि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये हमेशा चलता रहता है. ऑल प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, के कनेक्टेड नहीं होती हैं सारी जो प्रोसेसेस होती हैं, ये भी गलत है क्योंकि इंटरकनेक्टेड होती हैं, इंटर रिलेशन का हमारा एक प्रिंसिपल भी है डेवलपमेंट का. तो यहाँ पे आंसर होगा इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल. हाँ ये हो सकता है, ये एक प्रिंसिपल है कि जरूरी नहीं है कि सबके लिए सेम पेस पे एक 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 रफ्तार से चले, है ना, सबके लिए सेम हो, अलग इंडिविजुअल के लिए वेरी कर सकता है थोड़ा बहुत, तो ये प्रिंसिपल होगा. बाकी तीन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल नहीं है, बल्कि वो उसके ऑपोजिट हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं उनके ऑपोजिट हैं. अ नॉर्मल चाइल्ड ऑफ 12 ईयर्स ऑफ एज इज मोस्ट लाइकली टू. 12 साल का एक नॉर्मल चाइल्ड किस चीज में मोस्ट लाइकली टू इन्वॉल्व, किस चीज में इन्वॉल्व हो सकता है, किस चीज में ज्यादा इन्वॉल्व होगा? तो जैसे हमने पहले एक क्वेश्चन किया था कि एडोलेसेंस में एक्टिव मेंबर होते हैं वो पीयर ग्रुप के, उन्हें अप्रूवल चाहिए होता है. तो एडोलेसेंस इज 12 to 18 में आ गया, तो अभी एडोलेसेंट पीरियड है उसका, तो इसमें क्या होगा, बी ईगर फॉर पीयर अप्रूवल, जो उसका पीयर ग्रुप है वहां के अप्रूवल के लिए वो एकदम आतुर रहता है. तो ये चीज होगी. बाकी यही थे आज के क्वेश्चंस. कुछ अलग टाइप की वीडियो है, आगे अलग अलग टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे कि बस क्वेश्चन उठाए और डिस्कस कर लिए प्रीवियस ईयर. टॉपिक लेके पूरा डिस्कस कर लेंगे प्रीवियस ईयर, चाहे एसटेट के हों, चाहे एसटेट के हों, सीटेट के हों, जो भी है, तो टॉपिक वाइज इसको डिस्कस करेंगे. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन के हाउ वॉज इट. थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग.